हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज़ हमें ये टॉपिक पढ़ा दो, ये वाला आप चीज़ समझा दो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि क्लासेस को इतना इरेगुलर हो गई मुझसे, और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लगभग एक दो हफ्ते से। कभी मैं बाहर चली गई 2-3 दिन के लिए, कभी मेरे को अब हॉस्टल में शिफ्ट हो गई, तो बहुत सारा कुछ होता है, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था मेरा, जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाई थी। तो 11th का मोस्टली सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया था, 12th का भी इकोलॉजी वाले पोर्शन का मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे पूरे इकोलॉजी के। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, जैसे मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, एवोल्यूशन हो गया, ये सारे टॉपिक्स हैं, मैं कोशिश करूंगी कि ये मैं, चाहे अगर मैं बड़े लेक्चर्स नहीं ले पा रही हूँ, लाइव क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, तो मैं शॉर्ट वीडियोस में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर दूँ। मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी, ऐसा नहीं है कि मैंने आपका साथ छोड़ दिया है या मैं आपको भूल गई हूँ, ऐसा नहीं है। आप सबकी वजह से, आपने मुझे इतना जो प्यार दिया है उसकी वजह से हमारा ये चैनल है, आप सबके प्यार की वजह से और आपकी वजह से ही है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं आपको कभी छोड़ के चली जाऊँगी। मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं ले पाई। इनफैक्ट जो व्लॉग वगैरह भी है, बहुत बच्चे ये भी बात कर रहे थे कि व्लॉग्स आप अपलोड कर रहे हो पर आप पढ़ा नहीं रहे हो, तो व्लॉग भी 2 हफ्ते पहले शूट किया था मैंने, और उसके बाद मुझे एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिल पाया। मेरी बहन ने इनफैक्ट एडिट किया और अब वो डला है 2 हफ्ते पहले का व्लॉग। तो वही चीज़ है, नहीं मैनेज हो पा रहा था, इनफैक्ट मैं कोई और वीडियो भी नहीं डाल पाई, तो आई एम उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो आज ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को नहीं समझ में आता है, एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ये छोटी से छोटी वीडियो रहे और उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाएं, आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाए और आपको अच्छे से समझ आ जाए टॉपिक, ताकि अगर ट्रांसक्रिप्शन में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह प्यार देते रहो जिस तरह आप देते आए हो, और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेरा है, अगर आप चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है उससे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर जेनेटिक मटीरियल है, अगर डीएनए है, तो उसका काम क्या है, डीएनए का मेन काम क्या है। डीएनए का मेनली जो काम है वो क्या है कि डीएनए को हम ट्रांसक्राइब करके क्या बनाते हैं, एमआरएनए बनाते हैं, उससे फर्दर हम लोग प्रोटीन बनाते हैं। तो मुझे किसी भी तरीके का प्रोटीन चाहिए। अब मैं बोलती हूँ कि डीएनए क्या डिसाइड करता है, तुम बोलोगे कि डीएनए जो है उससे मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रहे हैं, मैं कैसा हूँ, मेरे फीचर्स कैसे हैं, वो मेरे जेनेटिक मटीरियल से डिसाइड हो रहे हैं। लेकिन मेरे वो फीचर्स भी कैसे पता चल रहे हैं कि किस तरीके का प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। हम बोलते हैं कि आई कलर उसका ऐसा है, उसका बॉडी कलर उसका ऐसा है, स्किन कलर उसका ऐसा है, तो हम किस बेसिस पे बोलते हैं कि कितना प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, उस बेसिस पे बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कि डीएनए में कैसी कोडिंग है, मतलब डीएनए कितना प्रोटीन बनवा रहा है। तो बेसिकली जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है, और उस प्रोटीन से आपका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या फिर कोई भी फीचर आपका एक्सप्रेस हो सकता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो क्या करती है, सबसे पहला स्टेप करती है, यानी कि वो डीएनए की एक सेगमेंट से, डीएनए की एक सेगमेंट से क्या बना देती है, एमआरएनए बना देती है, और ये एमआरएनए फर्दर क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो सबसे पहला स्टेप यानी कि डीएनए की एक सेगमेंट को लो और उससे एमआरएनए बनाओ, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर एमआरएनए से फर्दर हम लोग प्रोटीन भी बनाते हैं, वो अलग कहानी है, वो हम अलग टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये समझना है कि डीएनए सेगमेंट से हम लोग एमआरएनए बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आप डीएनए की बात करो तो वो तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रैंड्स हैं, तो उन दो स्ट्रैंड्स में से कौन सी स्ट्रैंड एमआरएनए बनाती है, या ऐसा है कि दोनों स्ट्रैंड बनाती हैं, या क्या है, मतलब ये हमें देखना है कि दोनों स्ट्रैंड बनाती हैं या कोई एक स्ट्रैंड बनाती है या कोई एक पार्ट बनाती है। तो सबसे पहली बात आपको समझनी है कि डीएनए की दो स्ट्रैंड्स हैं अगर, तो उसमें से सिर्फ एक ऐसी स्ट्रैंड होगी जो आपकी एमआरएनए बनाएगी या एमआरएनए के लिए कोड करेगी या एमआरएनए को कहेगी कि हाँ तू अब बन जा, एमआरएनए को बनाने का बेसिकली काम करेगी, वो एक स्ट्रैंड करेगी, दोनों नहीं करेंगी। दोनों स्ट्रैंड क्यों पार्टिसिपेट नहीं करती, ये एनसीईआरटी ने आपसे सवाल पूछा और इसका आपको आंसर समझ में आना चाहिए। तो एनसीईआरटी ने कहा कि भाई ऐसा क्यों है कि डीएनए की अगर दो स्ट्रैंड है तो फिर दोनों स्ट्रैंड अपना अपना एमआरएनए बनाए, दोनों स्ट्रैंड अपने अपने प्रोटीन बनाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। तो आंसर भी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तो बहुत अच्छे से आंसर दिया है कि सबसे बड़ी बात, अगर दोनों स्ट्रैंड ऐसी होंगी जो एमआरएनए बनाए, अगर दोनों स्ट्रैंड्स ऐसी होंगी जो एमआरएनए बनाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि दो एमआरएनए बन गए तो दो अलग अलग तरीके के प्रोटीन बन गए, दो अलग अलग तरीके के प्रोटीन भी बन जाएंगे। और अगर दो अलग अलग तरीके के प्रोटीन बन जाएंगे तो जो पूरी मशीनरी है, जो पूरी साइकिल है, वही ख़राब हो जाएगी। अब देखो कैसे हो जाएगी, मान लो अब कोई प्रोटीन है वो एंजाइम फर्दर बना रहा है,
ठीक है, कोई एंजाइम बन रहा है ऐसे मान लो, तो यहाँ से क्या हुआ, एमआरएनए एक बना और ये एमआरएनए टू बना, ठीक है, तो ये एक अलग एंजाइम बना रहा है और ये एक अलग एंजाइम बना रहा है फर्दर। तो अगर दो एंजाइम्स बन गए, साइकिल एक है, मशीनरी एक है और दो अगर एंजाइम्स बन गए तो वो तो मशीनरी या पूरी साइकिल ही गड़बड़ा जाएगी। दो एंजाइम्स कैसे काम कर पाएंगे, अलग अलग ऑपोजिट एंजाइम्स हो सकते हैं, अल्टरनेट हो सकते हैं जो अलग अलग काम करते हो। तो इसीलिए हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों एमआरएनए बनाए। अगर वो दोनों एमआरएनए बनाएंगी तो वो अलग अलग दोनों प्रोटीन बनाएंगी और वो दोनों प्रोटीन एक्सप्रेस कैसे हो पाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि सबसे पहले तो इफ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस, ठीक है, एंड इन टर्न दे वुड कोड फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स, मतलब जो प्रोटीन्स बनेंगे वो अलग अलग होंगे। तो इससे क्या होगा, मतलब एक डीएनए होगा, सिर्फ एक डीएनए दो अलग अलग प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होगा और इसकी वजह से जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस हो रहे हैं वही कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमसे सबसे पहला कंक्लूजन जो हमें पता चला वो ये है कि जो भी दोनों स्ट्रैंड्स हैं उसमें से एक ही स्ट्रैंड एमआरएनए बनाएगी और उसी का ही प्रोटीन बनेगा। सबसे पहले ये समझ आना चाहिए, क्यों आना चाहिए आपको मैंने बता दिया। दूसरा रीज़न ये है कि मान लो mRNA दो बन गए, mRNA आपके दो बन गए और अगर दो mRNA बन गए तो वो आपस में ही कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अगर वो आपस में ही कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तो ये वाला mRNA और ये वाला mRNA कॉम्प्लीमेंट्री होकर डबल स्टैंडर्ड RNA बना देगा। जब ये डबल स्टैंडर्ड RNA बना देगा तो क्या ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा? करेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अपने में ही खुश है, ये प्रोटीन क्यों बनाएगा। डबल स्टैंडर्ड mRNA बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड RNA आप बोल सकते हो बन जाएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है और प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा, ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगी फर्दर। तो ये भी हमारा काम खराब कर रहा है क्योंकि मेनली तो मुझे प्रोटीन चाहिए था ना, अब मैं प्रोटीन नहीं ले पा रही हूँ। तो इसीलिए दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। अब दूसरा सवाल आपका ये आ सकता है कि अगर दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करती तो कौन सी स्ट्रैंड करेगी, ये मुझे कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है, आना भी चाहिए दिमाग में। अब देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो हम बोलते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में भी, हम सबसे पहली बात है कि पूरे डीएनए का एक साथ नहीं हो रहा, डीएनए की एक सेगमेंट का हो रहा है, ठीक है, डीएनए की एक सेगमेंट का हो रहा है। तो उसमें भी ना कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उसके ऑर्गन्स हैं आप ऐसे कह लो, ठीक है। तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक होता है आपका प्रमोटर रीजन, एक होता है आपका टर्मिनेटर और एक होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन। ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये तीनों चीज़ें क्या बनाती हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाती हैं, प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन। चलो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है, मैं कैसे बता पाऊंगी? तो हम आइडिया लगाते हैं किससे, स्ट्रक्चरल जीन से। हम बोलते हैं कि अगर स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर की तरफ है तो वो क्या है, प्रमोटर है। अगर स्ट्रक्चरल जीन के नीचे की तरफ है तो वो क्या है, टर्मिनेटर है। यानी कि स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम क्या होगा, अपस्ट्रीम का मतलब ऊपर क्या होगा, प्रमोटर होगा, और स्ट्रक्चरल जीन के नीचे क्या होगा, टर्मिनेटर होगा। अब दूसरा सवाल आपका ये आ सकता है कि आपको कैसे पता कि ये ऊपर है और ये नीचे है, या आपको ये कैसे पता कि ये नीचे है ये ऊपर है, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी तो हो सकता था कि ये वाली साइड ऊपर हो जाती है, ये वाली नीचे हो जाती है, हम कैसे पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ कि ये हमें पता कैसे चला कि ये चीज़, ये डायरेक्शन अपस्ट्रीम है और ये डायरेक्शन डाउनस्ट्रीम है, ठीक है, ये अभी हम देखेंगे। अब हम आ जाते हैं कि आपके पुराने एक सवाल की तरफ कि अगर आपने बोला कि दो स्ट्रैंड्स में से एक ही स्ट्रैंड प्रोटीन बनाएगी तो वो कौन सी स्ट्रैंड होगी। अब देखो मुझे क्या बनाना है, मुझे डीएनए से क्या बनाना है भाई, मुझे डीएनए से बनाना है एमआरएनए, मुझे डीएनए से बनाना है एमआरएनए। तो मुझे कुछ एंजाइम चाहिए होगा, कोई तो चीज़ चाहिए होगी जो इस डीएनए को कन्वर्ट करवा दे, किसमें, एमआरएनए में कन्वर्ट करा दे। तो यहाँ पे जो एंजाइम आता है उसका नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब नाम समझो, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए की पॉलीमराइजेशन करा रहा है, आरएनए बनवा रहा है, तो नाम तो आरएनए पॉलीमरेज होगा, सही बात है, लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, किसको देख के एमआरएनए बन रहा है, तो डीएनए को देख के एमआरएनए बन रहा है, ठीक है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, अगर आप नाम से समझोगे, अगर आप ये चीजें, ये टॉपिक्स अगर आपने समझ लिया, आपको कभी भी रटने नहीं पड़ेंगे, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। अगर आप इनको भी रटने बैठोगे तो आप क्वेश्चन को गलत करके ही आओगे, क्योंकि वो आपको नीट में, क्वेश्चंस में, ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूज करेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप गलत करके आओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो ये एंजाइम है ना, इसकी एक प्रॉब्लम है, ये एंजाइम कहता है कि चलो मैं आरएनए की पॉलीमराइजेशन तो करा दूंगा, मैं आरएनए को बना भी दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो हम बोलते हैं भाई क्या शर्त है, बता दे तू। तो वो कहता है कि मेरी ये शर्त है कि मैं 5' से 3' डायरेक्शन में ही सिंथेसिस करवाऊंगा, किसका, एमआरएनए का, 5' से 3' की डायरेक्शन में। तो अगर ये जो बन रहा है, ये 5' ये है और 3' ये है,
तो अब जब ये बनेगा तो ये कॉम्प्लीमेंटरी तो बनेगा, कॉम्प्लीमेंटरी तो बनेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कभी कि ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम हो तो ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम बन पा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम बन रहा है, समझ रहे हो? मतलब कॉम्प्लीमेंटारिटी से ही तो बनेगा, कॉम्प्लीमेंटारिटी से बनता है ये, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अगर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में सिंथेसाइज करवा सकता है तो कौन सी वाली स्ट्रैंड से ये बनेगा mRNA। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ये चैप्टर, ये टॉपिक थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, बट ये बहुत मज़ेदार है और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन की जो स्ट्रैंड है इसके कॉम्प्लीमेंटरी बनता जाएगा और 5 प्राइम से 3 प्राइम mRNA बनता जाएगा। ऑब्वियसली बात है ऑपोजिट से बनेगा ये, क्योंकि ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो जब इसकी सिंथेसिस हो रही होगी तो इसके कॉम्प्लीमेंटरी क्या बनेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड बन जाएगा, किसका, mRNA का, ठीक है? चलो अगर मेरी ये वाली स्ट्रैंड मेनली रिस्पॉन्सिबल है इस वाले mRNA को बनाने के लिए, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ टेम्पलेट, टेम्पलेट नाम दे देती हूँ। टेम्पलेट का मतलब क्या है, बेसिकली एक ढांचा टाइप होता है ना, कि उसको देख के उसके उससे बन गया, मतलब उसी का मेन रोल था बनाने में mRNA। तो इस वाली स्ट्रैंड को मैंने नाम दे दिया टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो मान लो मैंने ले लिया एक ये वाला सेक्शन, मैंने ये वाला सेक्शन ले लिया और मैंने देखा कि यहाँ पे कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, मैंने ये वाला सेक्शन ले लिया नीचे से और फिर मैंने देख लिया इस पे कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उसके कॉम्प्लीमेंटरी ही 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले होंगे। तो अगर मैं बोलूँ तो मुझे बता, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि एडनीन जो है वो थायमीन के साथ करती है, ठीक है, और गुआनीन जो है वो साइटोसिन के साथ करती है, तो कॉम्प्लीमेंटारिटी आई होप आपको समझ में आती हो। अब मैंने बोला कि ये जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली स्ट्रैंड थी इसके कॉम्प्लीमेंटरी ही मेरा क्या बना है, mRNA बना है। तो अब आपको खुद गैस करना है, मेरे साथ साथ आप बताओगे कि ये बताओ कि कॉम्प्लीमेंटरी क्या बने होंगे, कौन से बेसिस आए होंगे, आपको ये मुझे बताना है। तो आपको पता है कि RNA के अंदर थायामीन तो नहीं होता, क्या होता है, यूरेसिल होता है, तो मैंने यहाँ यू लिख दिया। टी की जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे कॉम्प्लीमेंटरी, जी में सी लिखेंगे, सी में जी लिखेंगे, ए में फिर लिखेंगे यूरेसिल और टी में फिर से ए लिखेंगे। अब अगर आप एक बात नोटिस करो तो ये वाली जो सीक्वेंस आई है और ये वाली जो सीक्वेंस आई है, क्या वो बिल्कुल सेम है? अगर आप देखो बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे थायमीन है क्योंकि ये DNA है, यहाँ पे यूरेसिल है क्योंकि ये RNA है, समझ में आई बात? तो अगर आप बात समझो ये वाली, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली जो स्ट्रैंड थी दैट वॉज अ टेम्पलेट, टेम्पलेट थी जिससे mRNA बना है ना, लेकिन 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली जो स्ट्रैंड है उससे तो एग्जैक्टली सेम बन गया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बना जैसी स्ट्रैंड थी। तो इस स्ट्रैंड को हम नाम दे देते हैं, इस स्ट्रैंड को हम नाम दे देते हैं क्या, कोडिंग स्ट्रैंड। देखो अब दोबारा समझो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली जो ये स्ट्रैंड है इसको मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड नाम दे दिया, 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली स्ट्रैंड को मैंने नाम दे दिया कोडिंग स्ट्रैंड। तो अब NCERT ने खुद ही इसका बड़ा मजाक उड़ाया हुआ है कि कोड तो ये कुछ भी नहीं कर रहा लेकिन नाम इसका कोडिंग स्ट्रैंड है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो अल्टीमेटली mRNA बन रहा है वो कहीं ना कहीं इससे बिल्कुल आइडेंटिकल सा ही है, सिर्फ थायमिन की जगह मैंने यूरेसिल ही तो बदला है, बाकी सब तो सेम है, ठीक है? तो इसको मैं कोडिंग स्ट्रैंड बोल देती हूँ। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये टेम्पलेट है तो इसको बोल देंगे ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कोडिंग है तो इसको बोल देंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। तो आप ध्यान रखना कि कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी है और टेम्पलेट कौन सी है। टेम्पलेट आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, एक ढांचा है जिसको देख के बिल्कुल बना है mRNA, ठीक है? और कोडिंग क्या है, जो फ्री में कोडिंग हो गया, जिसने कुछ किया भी या नहीं है लेकिन उस क्योंकि वो आइडेंटिकल बन गया इससे, तो इसलिए हम इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोल देते हैं, ठीक है? अब एक और चीज पे हम आ जाते हैं। आपसे एक चीज मैंने थोड़ी देर पहले पूछी थी, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये अपस्ट्रीम है और ये डाउनस्ट्रीम है? तो ये जो चीज है ये मुझे पता चलती है कोडिंग स्ट्रैंड से मुझे पता चलता है। कोडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की होती है और उसी से मैं पता लगा सकती हूँ कि ये वाली साइड जो है वो अपस्ट्रीम है 5 प्राइम की तरफ है और डाउनस्ट्रीम है 3 प्राइम की तरफ है। तो कोडिंग स्ट्रैंड मेरी इंपॉर्टेंट है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर रीजन। तो कोडिंग स्ट्रैंड, उसके बाद टेम्पलेट स्ट्रैंड, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंजाइम कौन सा है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं आगे, बात करते हैं भाई प्रमोटर की। तो प्रमोटर का काम क्या है, जो इतना हम प्रमोट कर रहे हैं इस प्रमोटर को, इसका काम क्या है? तो प्रमोटर के दो मेन काम है। सबसे पहला काम क्या है कि जो एंजाइम है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ये बाइंड कहाँ पे करता है, सबसे पहले जाके प्रमोटर पे करता है। तो सबसे पहला काम है कि प्रमोटर जो है वो बाइंड करता है किससे, बाइंडिंग साइट है किसके लिए, RNA पॉलीमरेज के लिए, ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको अभी बताया था कि ये टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड को भी डिफाइन करता है। तो एक तरह से ये कह लो कि टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो डिफाइन करती है कि प्रमोटर टर्मिनेटर क्या है, या उसका उल्टा कह लो कि जो प्रमोटर है वो डिफाइन करता है कि कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, तो बात एक ही है, ठीक है?
एक और चीज यहाँ पे पूछे कि अगर बताओ प्रोमोटर और टर्मिनेटर अपनी जगह बदल लें तो क्या हो जाएगा, तो बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा, बहुत कुछ उल्टा फुल्टा हो जाएगा। तो ये आपको आई होप अभी तक समझ आ गया होगा कि प्रोमोटर की पोजीशन, टर्मिनेटर की पोजीशन और कोडिंग स्टैंड, इन सबसे बहुत कुछ फर्क पड़ता है, डिपेंड करता है कि कैसे mRNA सिंथेसाइज होगा। अब आ जाते हैं NCERT के थोड़े से टेक्स्ट पे। तो प्रोमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। अब देखो ये लाइन समझो, हम बोलते हैं कि प्रोमोटर जो है वो 5' एंड की तरफ है ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। तो अब वही चीज़ है, अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रक्चरल जीन के 5' एंड की तरफ है, तो आप बोलोगे कि 5' एंड तो ये भी है तो ये अपस्ट्रीम होना चाहिए था। लेकिन हम किससे कंपेयर करते हैं, हम कोडिंग स्टैंड से कंपेयर करते हैं, इसीलिए अपस्ट्रीम यहाँ पे ये है। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या लिखा है NCERT में। आगे लिखा है द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज अ DNA सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज। ठीक है, DNA की एक सीक्वेंस है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं mRNA उसी सीक्वेंस को देखकर बना सकते हैं। एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइंस द टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्टैंड। ये हमें पता चल गया, बाय स्विचिंग इट्स पोजिशन विद द टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड कुड बी रिवर्स्ड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद और कुछ नहीं दिया है कि टर्मिनेटर कहाँ होता है, भाई 3' एंड की तरफ होता है, डाउनस्ट्रीम होता है, ये हमने पढ़ लिया। और कभी कभी कुछ और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी हो सकती हैं जो यहीं पर प्रेजेंट हो, तो ये भी NCERT ने दे रखा है। आई होप इतना अच्छे से आपको समझ में आ गई हो। अब आगे आ जाते हैं भाई जीन के ऊपर। तो जीन एक ऐसी डेफिनेशन है, ऐसा NCERT में लिखा है कि एक जीन को डिफाइन करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप बोलो कि जीन वो सीक्वेंस है जिससे प्रोटीन बनता है या जिससे सिर्फ mRNA बनता है, तो भी आप कहीं ना कहीं गलत हो, क्योंकि NCERT ने ऐसा लिखा है कि अगर कोई DNA सीक्वेंस है जो tRNA या rRNA को भी बना रही है ना, उसको भी हम जीन कहते हैं। तो जीन को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, NCERT खुद ही ये बात कह रही है। ठीक है, अब बेसिकली आप अगर आपसे पूछे कि जीन की डेफिनेशन बताओ, तो आप खुद ही बोल दोगे कि भाई फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है सिस्ट्रॉन की। ठीक है, तो सिस्ट्रॉन क्या होता है, इज अ सेगमेंट ऑफ DNA कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज। अब देखो बेसिकली वो सेगमेंट ऑफ DNA जो एक पॉलीपेप्टाइड बनाए, ठीक है, जो एक पॉलीपेप्टाइड बनाए, उसको हम सिस्ट्रॉन कह देते हैं। अब सिस्ट्रॉन को भी हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन हमें यूकैरियोट्स के अंदर दिखती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सिर्फ एक टाइप का पॉलीपेप्टाइड ही बन पा रहा है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक हमें प्रोकैरियोट्स में दिखती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके के पॉलीपेप्टाइड बन पा रहे हैं। तो ये हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक से हम पी से प्रोकैरियोट्स याद रख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा सकता है। तो NCERT में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, तो इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में जाना चाहिए। आप इतना बस समझ लो, आपसे पूछा जा सकता है कि मोनोसिस्ट्रॉनिक किसके अंदर देखा जाता है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक किसके अंदर देखा जाता है। अब देखो एक और गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि जो कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं, ठीक है, अब जो हमारी पूरी DNA की सीक्वेंस है ना, उसमें ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी सीक्वेंस ही प्रोटीन बनाए, पूरी की पूरी सीक्वेंस ही कोडिंग हो, आप ऐसा बोलो। तो सिर्फ कुछ पार्ट जो कोड करता है, यानी कि द कोडिंग सीक्वेंसेस और एक्सप्रेस सीक्वेंसेस आर डिफाइंड एज एग्जॉन्स। तो मतलब कि क्या बोलते हैं कि यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि जो मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल जीन जो है वो फर्दर क्या कर रहा है, हमारे प्रोटीन या mRNA सिंथेसिस कर रहा है। तो जो स्ट्रक्चरल जीन होता है किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि जो पूरी की पूरी सीक्वेंस होती है वो कोड नहीं करती है, उसमें से कुछ पार्ट्स होते हैं जो कोड करवाते हैं और कुछ पार्ट्स ही प्रोटीन बना सकते हैं। बीच बीच में देखो ऐसे एरियाज होते हैं, जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो इसके अंदर ना ये है मान लो कोड करने वाला, ये है मान लो कोड करने वाला, ये है मान लो कोड करने वाला। तो मान लो ये ऐसे कोड है, ये कोड करेगा, फिर ये कोड करेगा, फिर ये कोड करेगा, तो बाकी की कुछ चीज़ें ना इंटरप्शंस होती हैं, मतलब ये बेकार का है, ये कोई कोडिंग नहीं करवाता, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमें मोनोसिस्ट्रॉनिक के अंदर देखा जाता है, मतलब यूकैरियोट्स के अंदर हमें ऐसा देखा जाता है कि मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन के अंदर जो कोडिंग वाला पार्ट है वो है, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ इंटरप्शंस है। और जो ये कोडिंग वाला पार्ट होता है, इसको हम बोल देते हैं क्या बोलते हैं, एग्जॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जॉन्स बोलते हैं। तो द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंसेस आर डिफाइंड एज एग्जॉन्स। तो कभी आपको कोडिंग सीक्वेंस की जगह एक्सप्रेस सीक्वेंस भी बोल दिया तो कंफ्यूज मत होना, एक्सप्रेस सीक्वेंस का मतलब है एग्जॉन्स, जो फर्दर जाके एक्सप्रेस करने वाला है या प्रोटीन बनाने वाला है, ठीक है। और बीच बीच में कुछ इंटरप्शंस होती हैं, यानी कि अगर ये एग्जॉन्स हैं, ये एग्जॉन्स हैं, तो ये आपके क्या होंगे, बीच में इंट्रॉन्स होंगे,
ये क्या होंगे, इंट्रॉन्स होंगे. इंट्रॉन्स और इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अपियर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए. अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो. बस इतना समझो कि जो कोड करेगा उसको एक्सॉन कहते हैं, जो कोड नहीं करेगा उसको इंट्रॉन कहते हैं. ठीक है, समझ में आना चाहिए कि सारा का सारा जो जीन है वो सारा का सारा प्रोटीन नहीं बनाएगा, कुछ पार्ट ही ऐसा है जो इसका प्रोटीन बनाएगा. याद रखने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हो कि इंट्रॉन नेगेटिव है, ये गलत है, ये गंदा है, बुरा है. तो इंट्रॉन नेगेटिव है तो कोड नहीं करता है. ठीक है, इंट्रॉन्स और इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस जो है वो मैच्योर एमआरएनए में नहीं होगी. अब समझो, देखो अभी हम ये चीज़ हम थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे. अभी हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो कैसे रही है. हमने ये पढ़ लिया कि ट्रांसक्रिप्शन क्यों ज़रूरी है एमआरएनए बनाने के लिए. एमआरएनए बनाना क्यों ज़रूरी है? प्रोटीन बनाने के लिए. प्रोटीन बनाने क्यों ज़रूरी है? कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे तभी. ये हमने पढ़ लिया. फिर हमने पढ़ा कि अगर दो डीएनए की स्ट्रैंड्स है तो क्या दोनों ट्रांसक्रिप्शन होता है, दोनों का ट्रांसक्रिप्शन होता है. एमआरएनए क्या दोनों बनाती हैं? ये हमने पढ़ लिया. फिर हमने देखा कि जीन्स की क्या सीक्वेंसेज हैं, एक्सॉन क्या, इंट्रॉन क्या. अब हम पढ़ेंगे कि भाई एक्चुअल कहानी क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन हो कैसे पा रही है. सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एक एंजाइम की जो हमने पढ़ा था, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. क्या पढ़ा था? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो अब होता क्या है कि ये प्रमोटर आपका रीजन हो गया, ये आपका टर्मिनेटर रीजन हो गया. ठीक है, अब ये एंजाइम जो है, एंजाइम भले ये एक ही है लेकिन ये सारे काम करता है. क्या काम करता है पहले तो स्टेप समझो. तीन स्टेप हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला आपका स्टेप होगा इनिशिएशन, ये वाला जो स्टेप हम पढ़ेंगे. दूसरा स्टेप आपका होगा इलोंगेशन और तीसरा स्टेप आपका होगा टर्मिनेशन. तो जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि तीन स्टेप्स में होती है. सबसे पहले इनिशिएशन होता है, फिर इलोंगेशन होता है और फिर क्या होता है, टर्मिनेशन होता है. इनिशिएशन का मतलब शुरुआत हुई, इलोंगेशन का मतलब इलोंगेट किया और टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि टर्मिनेट कर गया या फिर खत्म हो गया. अब सवाल ये आता है कि अगर एंजाइम एक ही है तो क्या ये अकेला एंजाइम इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये सारे स्टेप्स करवा देता है? तो हम बोलते हैं कि एंजाइम पावरफुल तो नहीं है लेकिन ये चालाक बहुत है. कैसे चालाक है? कि ये जो एंजाइम होता है ये कराता तो सिर्फ इलोंगेशन ही है. ठीक है, मेन इसका काम इलोंगेशन कराना है, लेकिन इसके ऊपर दो फैक्टर्स होते हैं. पहला फैक्टर होता है जिसको हम सिग्मा फैक्टर बोलते हैं, दूसरा फैक्टर होता है जिसको हम रो फैक्टर बोलते हैं. तो ये जो सिग्मा फैक्टर है ये इनिशिएशन में हेल्प करता है, जो रो फैक्टर है टर्मिनेशन में हेल्प करता है, और एंजाइम मेनली कैटलाइज जो करता है वो इलोंगेशन में करता है. तो यही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यही चीज़ हमने दी हुई है जो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं. तो क्या हुआ, देखो ये एंजाइम गया, इनिशिएट किया इसने, कहाँ पे जाके बाइंड करेगा? सबसे पहले प्रमोटर पे. कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? सिग्मा फैक्टर. अब देखो अगले पे आओ, अगले पे क्या हुआ, इलोंगेशन हुई. इलोंगेशन हुई तो अभी एंजाइम क्या हो गया, बाउंड हो चुका है. तो एंजाइम बाउंड हो चुका है तो अब ये क्या कर रहा है, एमआरएनए सिंथेसिस करवानी इसने शुरू कर दी है. किसको देख के करवा रहा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कि 3' से 5' डायरेक्शन की है. अब क्या बात आई, अब ये आई कि जब उसने आरएनए बनाया तो ये तो एंजाइम है ना, एंजाइम तो कैटलाइज कराएगा, एंजाइम तो कैटालिसिस कराएगा. एंजाइम के पास सामान थोड़ी है, सारा रॉ मटेरियल तो चाहिए उसको, वो तो कैटालिसिस करा सकता है. तो रॉ मटेरियल क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स. न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स को जोड़ 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 के ये क्या बना देता है, एमआरएनए बना देता है. एंजाइम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो कि बाउंड है. अब आ जाते हैं कि पूरा एमआरएनए बन गया, मान लो ये बन गया तुम्हारा एमआरएनए, तो अब ये हटेगा कैसे, खत्म कैसे होगी प्रोसेस? तो जैसे ही टर्मिनेटर जोन आई, कौन सा फैक्टर यहाँ काम आ जाता है, रो फैक्टर काम आ जाता है और टर्मिनेशन होके एमआरएनए आपका बाहर आ जाता है. अब ये जो बना है ना, ये एक्चुअली एमआरएनए नहीं है, एमआरएनए नहीं है, ये क्या है, ये एचएनआरएनए है, जिसको हम हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए भी कह सकते हैं. तो ये एचएनआरएनए है. अब इसकी प्रोसेसिंग होती है, इसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद हम लोग बना पाते हैं क्या, फाइनली एमआरएनए. प्रोसेसिंग के बाद बना पाते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब इतना हमने पढ़ लिया. अब एक बार हम एनसीईआरटी में देखते हैं कि भाई एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है, जरा देख लेते हैं फटाफट से. एन इंट्रीगिंग क्वेश्चन इज दैट हाउ आरएनए पॉलीमरेज इज एबल टू कैटलाइज ऑल द थ्री स्टेप्स. कैसे तीनों कर रहा है? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि तीन स्टेप जो है वो तीन कैसे कर रहा है, क्योंकि वो चालाक है. उसके पास एक इनिशिएशन फैक्टर है जिसको सिग्मा बोलते हैं और एक टर्मिनेशन फैक्टर है जिसको रो बोलते हैं. और मेन जो कैटालिसिस करता है वो किस में करता है, इलोंगेशन में करता है. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग प्रोसेसिंग पे. तो हमने बोला कि एचएनआरएनए तो बन गया. ठीक है, एचएनआरएनए तो बन गया. अब इसकी प्रोसेसिंग करके मैं क्या बना लूंगी, एमआरएनए बना लूंगी और मेरी ट्रांसक्रिप्शन की कहानी खत्म हो जाएगी. अब बैक्टीरिया और ज्यादा कमाल के, तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो एमआरएनए है डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग. एमआरएनए को कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, क्यों नहीं पड़ती है? अभी अब देखते हैं.
सिंस द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, क्योंकि इसके अंदर डिविजन नहीं होता है, यानी कि अलग से जैसे हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनेलीज नहीं है, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या चीज़ है कि उनके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, तो क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है वो एक ही जगह पर होनी होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसक्रिप्शन अभी खत्म भी नहीं हुई और ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है, लेकिन यूकैरियोट्स में अलग होता है कि ट्रांसक्रिप्शन की साइट और ट्रांसलेशन की साइट अलग है, तो इसीलिए वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। तो बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेसिंग भी नहीं होती है और बिना प्रोसेसिंग के ही ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होने लग जाती है और फाइनली क्या बनने लग जाता है, प्रोटीन बनने लग जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यूकैरियोट्स में देखते हैं कि भाई प्रोसेसिंग कैसे होगी, चलो देखते हैं। तो अब दो चीजें हैं करने वाली, एक तो ये है कि ये जो हमारा एमआरएनए बना है, ये जो हमारा एमआरएनए बना है इसके ऊपर क्या होता है, एचएनआरएनए बना है एक्चुअली जो अनप्रोसेस्ड है, इसकी प्रोसेसिंग करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे कैप लगा देते हैं, एक टोपी लगा देते हैं। टोपी किसके लगाते हैं, 7-methylguanine triphosphate की लगा देते हैं। ऐसा कुछ आपको दिखेगा, अगर आप एनसीईआरटी के डायग्राम पे जाओगे तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, 7-methylguanine triphosphate हम लोग लगा देते हैं, इसके ऊपर टोपी लगा देते हैं। कहीं कहीं ऐसा रीज़न लिखा होता है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है कि ये ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम एक टोपी लगा देते हैं 7-methylguanine triphosphate की। फिर आ जाते हैं स्प्लाइसिंग के अंदर। अब देखो, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारा बन रहा है एचएनआरएनए या फिर जो भी ये चीज़ बन रही है, इसके अंदर सारी ऐसी सीक्वेंसेस नहीं है जो प्रोटीन बनाएंगी, कुछ सीक्वेंसेस ऐसी हैं जो प्रोटीन बनाएंगी या जो कोडिंग करेंगी और कुछ ऐसी हैं जो कोडिंग नहीं करेंगी। तो अब मेरे को तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा अगर मैं ये वाली इंट्रॉन्स को भी लेके आगे बढ़ती जाऊँ, मुझे तो सिर्फ एग्जॉन्स चाहिए जो कोडिंग करे तभी तो मैं प्रोटीन बना पाऊंगी, मेरे को इंट्रॉन्स का क्या काम है। तो मुझे इन कैंची लेनी पड़ेगी और कैंची से मुझे इन इंट्रॉन्स को काटना पड़ेगा, मुझे अब इन इंट्रॉन्स को कैंची से काटना पड़ेगा। तो वो जो कैंची होती है वो होता है आपका स्नब्स, स्मॉल न्यूक्लियो राइबोसोमल प्रोटीन्स। तो ये स्नब्स से मैं क्या करती हूँ, इंट्रॉन्स को काट देती हूँ। अब देखो इंट्रॉन्स को काटे तो ऐसे बबल से बन गए, फिर ये बबल्स बाहर निकल गए, बबल्स बाहर निकल गए, तो ये बबल्स जब बाहर निकल जाते हैं इसको हम स्प्लाइसियोसोम्स भी कहते हैं। अब अगर बबल्स बाहर निकल गए तो मुझे इन दो एंड्स को जोड़ना भी तो पड़ेगा, तो इन दो एंड्स को जोड़ने के लिए मैं क्या यूज़ कर लेती हूँ, लाइगेज यूज़ कर लेती हूँ, और मुझे फाइनली क्या मिल जाता है, मुझे फाइनली मेरा एमआरएनए मिल जाता है जो प्रोसेस्ड है। इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है, तीसरा स्टेप कि यहाँ टेलिंग होती है, कि बहुत सारे यहाँ पे ए ऐसे करके लगा देते हैं, ठीक है, बहुत सारे ए लगा देते हैं, तो ये हम टेलिंग भी कर देते हैं। तो हमने प्रोसेसिंग में तीन चीज़ें पढ़ी, सबसे पहले तो टोपी पहनाओ, फिर हमने क्या किया, काटो बीच में से इंट्रॉन्स को काट दो, और फिर उसके बाद ए लगा दो लास्ट में, ठीक है, टेलिंग बोलते हैं जिसको। तो ये तीन चीज़ें प्रोसेसिंग में हम करते हैं किसकी, एचएनआरएनए से एमआरएनए के लिए, और फिर हम एमआरएनए को यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको प्रोसेसिंग, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैक्टीरिया में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि बैक्टीरिया में कंपार्टमेंटलाइजेशन ही नहीं है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वहीं पे ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाता है, तो प्रोसेसिंग की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम लोग एक बार टेक्स्ट रीड करते हैं कि क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो, तो एक तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि आरएनए के, जो आरएनए जो होता है उसके भी टाइप होते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए जिसको हम बोलते हैं, टीआरएनए है जिसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, और आरआरएनए है जिसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। तो टीआरएनए और आरआरएनए के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में ट्रांसलेशन में पढ़ोगे, तो यहाँ तक आपको एमआरएनए का मेन रोल समझना था। ऑल थ्री आरएनए आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। तो अभी हमने एक स्टेप पढ़ा है ना प्रोटीन बनाने का, अभी ट्रांसलेशन तो पढ़ा ही नहीं है, तो हमें पता है कि ये तीनों के तीनों आरएनए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। द एमआरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, द टीआरएनए ब्रिंग्स द अमीनो एसिड्स एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, एंड आरआरएनए प्लेज अ स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो ये चीज़ आपको ट्रांसलेशन में ही डिटेल में समझ आएगी, तो उसकी भी मैं वीडियो ऐसे ही अपलोड कर दूंगी। देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो एंजाइम की बात करें, एक ही एंजाइम है विच कैटालाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन हो जाते हैं हम पढ़ चुके हैं। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। आई होप मैंने ये गलती ना यहाँ पे लिख दिया हो, गलत ना लिखा हो, ध्यान रख लेना न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ऑब्वियसली अगर ट्राइफॉस्फेट है तो न्यूक्लियोटाइड नहीं हो सकता, न्यूक्लियोसाइड ही होगा, ठीक है। एक्ट्स एज अ सब्सट्रेट एंड पॉलीमराइजेस इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन, मतलब कि टेम्पलेट पे डिपेंड करके ही एमआरएनए बन रहा है। कभी कभी आप पढ़ोगे डीएनए इनडिपेंडेंट भी होता है, लेकिन ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइज है क्योंकि ये डीएनए की सीक्वेंस पे डिपेंड करके ही एमआरएनए बना रहा है, ठीक है। अब देखो आगे,
इट समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यूस इलोंगेशन. तो आई होप ये एज फार एज आई रिमेंबर ऐसा एक क्वेश्चन नीट में इस साल ही पूछा गया था कि अगर पूछा जाए आपसे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ओपनिंग ऑफ हेलिक्स कौन कराएगा और इलोंगेशन कौन कराएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यही वाला एंजाइम सारे काम कराता है. तो ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक ही एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा, और कोई एंजाइम की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ एक एंजाइम के बारे में पढ़ा. ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आर एन ए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम. वंस द पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर रीजन द आर एन ए फॉलोज ऑफ एंड ऑल्सो द आर एन ए पॉलीमरेज, और इसको हम टर्मिनेशन कह देते हैं. फिर आ जाते हैं प्रोसेसिंग की तरफ और कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो यूकैरियोट्स में आते हैं. तो यहाँ पे बोला गया है कि यूकैरियोट्स के अंदर ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं. सबसे पहली बात तो ये कि जो यूकैरियोट होता है उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज के भी टाइप है, ठीक है. जैसे हमने पढ़ा प्रोकैरियोट में तो एक ही था, आरएनए पॉलीमरेज के इसके अंदर टाइप होते हैं. कैसे होते हैं कि एटलीस्ट तीन तरह के तो आरएनए पॉलीमरेज होते ही होते हैं. आरएनए पॉलीमरेजेस इन द न्यूक्लियस, मतलब तीन तरीके के आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल्स. तो तीन तरीके के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं. देयर इज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि आरएनए पॉलीमरेजेस जो होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना उनका काम डिफाइंड है कि मेरे को ये वाला काम करना है, ये वाले आरएनए पॉलीमरेज को ये वाला काम करना है. तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनएस को 28S, 18S, 5.8S, वेयर एज द आरएनए पॉलीमरेज 3 is responsible for transcription of tRNA, 5sRNA and snRNA, small nuclear RNAs, ठीक है. और RNA polymerase 2 जो है transcribes the precursor of mRNA, the heterogeneous nuclear RNA, hnRNA. तो जो हमने पढ़ा अभी ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जो hnRNA बना रहा था वो कौन सा था आपका RNA polymerase 2. तो अब ये चीज़ थोड़ी सी है यार, मैं कहूँगी ये तो कि रटने वाली ही है, इसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, तो ये आपको रटना ही पड़ेगा. तो मैं लिख देती हूँ, रट लो, प्लीज़ रट लो, क्योंकि इससे सवाल आ जाता है कभी कभी, ठीक है. तो ये ध्यान होना चाहिए कि यूकैरियोट्स के अंदर तीन तरीके के आरएनए पॉलीमरेज हैं और सबका काम डिफाइंड होता है. दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी यूकैरियोट्स में ही होती है कि इसके अंदर जो एचएनआरएनए बना है उसकी प्रोसेसिंग भी जरूरी है, जबकि प्रोकैरियोट्स में इसकी प्रोसेसिंग की कोई जरूरत नहीं होती है. तो कैसे प्रोसेसिंग होती है देख लेते हैं. सबसे पहली बात तो मुझे इंट्रॉन्स हटाने हैं, तो मैंने क्या कर दिया, स्प्लाइसिंग कर दिया या मैंने काट दिया. तो तीन चीज़ें पढ़ी थी, कैपिंग, कैप लगा दी, स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन्स को काट दिया, और तीसरी चीज़ पढ़ी टेलिंग. क्या लगाया टेलिंग में, एडिनाइलेट रेजिड्यूज, ए लगाती है बहुत सारे, ठीक है. अब देखो, हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस नोन एज स्प्लाइसिंग वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड द एक्सॉन्स आर जॉइंड, ठीक है. ये आपको आई होप समझ आ गया हो. दूसरी चीज, एच एन आर एन ए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसेस नोन एज कैपिंग एंड टेलिंग, कि टोपी लगा दो और टेल लगा दो. तो कैपिंग में क्या लगा दिया, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' एंड ऑफ द एच एन आर एन ए, वेरी इंपॉर्टेंट, टू द 5' एंड ऑफ द एच एन आर एन ए, ठीक है. इन टेलिंग एडिनाइलेट रेजिड्यूज 200 से 300 आर एडेड एट द 3' एंड इन द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर. अब दिस इज इंपॉर्टेंट, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, क्वेश्चन में यही कंफ्यूज कर देंगे कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर है या टेम्पलेट डिपेंडेंट. अगर आपको लॉजिक पता है, अगर आपको वर्ड का मतलब पता है, रटना नहीं पड़ेगा. क्वेश्चन आएगा कि पॉलीएडिनाइलेट रेजिड्यूज जो है वो कैसे लगाते हैं, टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में या इंडिपेंडेंट में, तो खुद सोचो कि क्या कोई टेम्पलेट है जिसको देख देख के लगा रहे हैं हम, नहीं, अपने आप ए लगाए जा रहे हैं, कोई टेम्पलेट की तो जरूरत है ही नहीं. तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मतलब टेम्पलेट की कोई जरूरत नहीं है. इट इज द फुल्ली प्रोसेस्ड एच एन आर एन ए नाउ कॉल्ड द एमआरएनए दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन. तो ये आपका इसके साथ प्रोसेसिंग भी खत्म हो गई और मैंने क्या बना लिया, एमआरएनए. तो ट्रांसक्रिप्शन में मेरा गोल क्या था, एमआरएनए बनाना था, तो मैंने वो कह दिया, ठीक है. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो एक बार डायग्राम भी देख ले एनसीईआरटी वालों का. तो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, देखो एक कैप लगाई हुई है, कैप लगाई हुई है, यहाँ पे एक्सॉन दिखा रखे हैं, इंट्रॉन दिखा रखे हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग दिखा रखी है, ठीक है, और पॉलीएडेनाइलेज टेल दिखा रखी है, पॉलीएडेनाइलेशन दिखा रखी है. एक और डायग्राम फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, जो ट्रांसक्रिप्शन में दिया. देखो सिग्मा फैक्टर है, यहाँ पे इनिशिएशन हो गया आरएनए पॉलीमरेज का, इलोंगेशन हो गया, टर्मिनेशन में क्या हो गया, रू फैक्टर हो गया, ठीक है. तो ये डायग्राम भी आपको क्लियर हो गया. अब एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, चलो, जो आए हुए नीट में. आपको ये स्ट्रैंड दे दी, ये सीक्वेंस दे दी, और आपसे पूछा है कि ये क्या है भाई, ये है कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड. मैं फिर से आपको एम्फसाइज कर रही हूँ इस चीज़ पे, ये क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड. व्हाट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए, आपको मुझे बताना है. इसका आंसर मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी, मैं चाहूँगी कि आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ इसका आंसर क्या होगा. और अब अगर ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है, ये नीट का ही क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया, तो क्या आपको इसमें 4 नंबर मिल पा रहे हैं, आपको मुझे बताना है चैट बॉक्स में. खुद सोचना, कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड और एमआरएनए, क्या
होता है, आप ध्यान रखना है, कोडिंग है यहाँ पे, टेम्पलेट है, mRNA बन रहा है, mRNA जो है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, कोडिंग से इसका क्या लेना देना है ध्यान रखना। क्वेश्चन में कंफ्यूज करेंगे कोडिंग और टेम्पलेट में, अगर कोडिंग और टेम्पलेट क्लियर है क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एग्जॉन्स इन अ डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। अब अगर कोई बच्चा जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स करने वाली आदत रखता है तो वो पढ़ेगा लूपिंग, इंड्यूसिंग, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग और स्प्लाइसिंग में कन्फ्यूज जाएगा, ये स्लाइसिंग को ही स्लाइसिंग समझ लेगा और आंसर ये टिक कर देगा, फोर्थ तक पहुंचेगा ही नहीं, तो वो क्वेश्चन को गलत कराएगा। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो। मैं फिर से एक बार सॉरी बोलना चाहूँगी कि क्लासेस मैं रेगुलरली नहीं ले पाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता भी नहीं पाऊँगी इन फैक्ट, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर भी शायद ना कर पाऊँ यहाँ पर, बट मेरी पूरी कोशिश थी और मेरा था ये कि मैं आपका सिलेबस कम्प्लीटली अच्छे से वन शॉट में ही कराऊं कंप्लीट। अभी भी मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ, यहाँ पे इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई, मैं अपना सामान लाई, पूरा मेरा रूम भी थोड़ा ख़राब हो गया था, मैंने उसको पूरा क्लीन किया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत टाइम लगा, फिर मैं 3 दिन के लिए बाहर चले गई, तो इसलिए मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई, उसके लिए आई एम दिल से सॉरी। बट 11th का मैंने मोस्टली सारी चीज़ें आपको कवर करा दी हैं, ऐसे ही मैं 12th का भी, जो भी आपको लग रहा है टॉपिक्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं अब से पूरी कोशिश रखूँगी कि कम से कम मैं एक हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर करा पाऊँ, अगले 10 दिन में जो भी इंपॉर्टेंट और मुश्किल चीज़ें हैं, जैसे बायोटेक आपको मुश्किल लग रही है तो बायोटेक मैं आपको करवा पाऊँ, MBI आपको मुश्किल लग रहा है MBI में करा पाऊँ, तो ये सारी चीज़ें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कराने की। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह प्यार देते रहो, और मिलते हैं अगले सेशन में। लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना, आंसर्स दोनों बता देना, और बताना अगला टॉपिक आपको क्या लगता है कि क्या आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं ट्राई करूंगी कि लाइव क्लासेस भी लूँ, 1 घंटे की भी लूँ, 1.5 घंटे की भी लूँ, मैराथन भी लूँ, बट जितना अभी मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं शॉर्ट सेशंस लेने की पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक यू सो मच, सी यू गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है।